आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कई घोषणाएं की। उन्होंने भाटिया में औषधालय और रामशहर में उप सब्जी मंडी खोलने की घोषणा की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि भाजपा उन्हें सत्ता में आने में सबसे बड़ी बाधा मानती है, इस कारण वे चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को दिन रात उन्हीं के सपने आते रहते हैं, भारी कोशिश के बावजूद भी वे कभी अपने बुरे उद्देश्यों में सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों के कहने पर राज्य भाजपा नेता उनके खिलाफ 3 केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियां द्वारा आयकर रिटर्न की जांच के मामलों पर लोगों को उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन पर चलाए जा रहे एकमात्र आयकर के मामले में 3 केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियां जांच का कार्य कर रही हैं। वहीं उन्होंने पार्टी के भीतर छुपे कुछ विश्वासघात व्यक्तियों को भाजपा के साथ गठजोड़ करने की कोशिशों पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग ऐसे मौका परस्त लोगों से भली भांति परिचित हैं और यह लोग लोगों के कल्याण के प्रति काम करने की बजाय अपने निजी हितों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लोगों के कल्याण के लिए समर्पण की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ समय में नालागढ़ व दून क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब क्षेत्र में पानी की भारी कमी रहती थी, बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान भी नहीं थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया और सिंचाई सुविधाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थानों को भी प्राथमिकता दी। आज दोनों हल्कों में एक है, दून के हल्के में और नालागढ़ के हल्के में हम लोग बहुत मीटिंग की, कई पुलों का शिलान्यास किया, कई पुलों का उद्घाटन किया, कई भवनों का शिलान्यास किया, कई भवन जो है उनका उद्घाटन किया और सारे सुबह से लेकर अभी दोपहर तक सिवाय जो यहाँ विकास के कार्य हुए हैं या हमने उनको जनता के प्रति समर्पित किया या जो नए काम हुए हैं उनके बारे में हमने वो काम शुरू किया। बहुत थोड़े ऐसे के अंदर दोनों हल्कों के अंदर बड़ी तेजी के साथ पलटा हुआ है, परिवर्तन हुआ है, बड़ी बड़ी स्कीमें बनी हैं और नई नई स्कीमों का जन्म रूप देखा रखी गई है। ये तेजी के साथ से वो गति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हमने इसे यहाँ की जनता को बहुत लाभ पहुँचेगा। एक वक्त के साथ जबकि दोनों इलाकों में पीने का पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था, स्कूल कम थे, कॉलेज नहीं थे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी और जो और भी चीज़ें जो कुछ तरक्की के लिए जरूरी है वो बहुत कम मात्रा में थी, मगर इन इस थोड़े से अर्से के अंदर दोनों समरी हल्कों का रंग और रूप बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, सोलन।
प्रदेश के डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को पहले की अपेक्षा सस्ता राशन मिलेगा। जीएसटी लागू होने से दालों के रेट में गिरावट आई है। वहीं डिपुओं में उपभोक्ताओं को अगले महीने से 7 किस्म की दालें मिलेंगी। यह जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने दी। प्रदेश सरकार अगले महीने से उपभोक्ताओं को 7 दालें देने जा रही हैं। इस टेंडर की फाइल सरकार के पास है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ने सभी राशन डिपो और गोदामों को नए सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इन दालों के रेट 4 से 5 रुपए तक कम हो सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार से मिलने वाले गेहूं और चावल उपभोक्ताओं को पहले तय रेट पर ही मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने बीते 2 महीने उपभोक्ताओं को पसंद की दालें देने का फैसला लिया है। इसके बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने 7 दालों के टेंडर आमंत्रित किए थे। खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर की औपचारिकताएं और रेट फाइनल कर फाइल अप्रूवल के लिए सरकार को भेजी थी। यह फाइल करीब 10 से 12 दिन से सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से डिपो में मिलने वाली दालों के रेट कम होंगे, जबकि गेहूं और चावल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 9 लाख विद्यार्थियों को अगले हफ्ते से निःशुल्क वर्दी मिलना शुरू हो जाएगी। प्रदेश के दूर दराज जिलों में सबसे पहले वर्दी का आवंटन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के दूरदराज के जिलों चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में सबसे पहले विद्यार्थियों को वर्दी दी जाएगी। इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में वर्दी की सप्लाई भेज दी गई है। पहली से जमा 2 कक्षा के छात्रों को सरकार हर साल निशुल्क वर्दी देती है। पहली से 10वीं कक्षा तक सरकार वर्दी सिलाई को अलग से शुल्क देती है, जबकि जमा 1 और जमा 2 के विद्यार्थियों को वर्दी सिलाई का पैसा नहीं दिया जाता है। सरकार 2 योजनाओं के तहत पहली से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को निशुल्क वर्दी देती है। महात्मा गांधी वर्दी योजना के तहत पहली से 10वीं और मुख्यमंत्री वर्दी योजना के तहत जमा 1 और जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी दी जाती है। महात्मा गांधी वर्दी योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को वर्दी के लिए कपड़ा और सिलाई के लिए पैसा दिया जाता है। मुख्यमंत्री वर्दी योजना में सिर्फ कपड़ा ही दिया जाता है। योजना के तहत सिलाई का पैसा सरकार नहीं देती है। साल 2016 से सरकार ने जमा 1 और जमा 2 के विद्यार्थियों को भी वर्दी देने का फैसला लिया। दोनों वर्दी योजनाओं के तहत लड़कों को पैंट कमीज और लड़कियों को सलवार कमीज का कपड़ा दिया जाता है। महात्मा गांधी वर्दी योजना में पहली से 10वीं कक्षा के करीब 7.5 लाख विद्यार्थियों को वर्दी दी जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री वर्दी योजना में जमा 2 और जमा 1 के 2.25 लाख विद्यार्थियों को वर्दी मिलेगी। शिक्षा निदेशालय वर्दी की खरीद खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से करवाता है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा मनमोहन शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को निशुल्क वर्दी देने के लिए सप्लाई ऑर्डर दे दिया गया है। जल्द ही वर्दियों का आवंटन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स LLB के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया। काउंसलिंग प्रक्रिया में विभाग की सभी 211 सीटें भरी जा चुकी हैं। LLB पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चली काउंसलिंग प्रक्रिया में विभाग की सभी 211 सीटें भरी जा चुकी हैं। विभाग ने इन सीटों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। LLB प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होंगी। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमनजीत सिंह ने बताया कि हर कोर्स में हर वर्ग के लिए तय सभी सीटें भरी जा चुकी है। इसमें 39 ओपन, 101 ओपन HPU, 30 अनुसूचित जाति, 15 अनुसूचित जाति, 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड और 6 सीटें कल्चरल एंड स्पोर्ट्स कोटे के तहत, जबकि 3 दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी गई हैं। कोर्स में 10 सीटें नॉन सब्सिडाइज्ड कैटेगरी के तहत भरी गई हैं। LLB कोर्स की काउंसलिंग की यह प्रक्रिया पूरी विभागाध्यक्ष और डीन लॉ प्रोफेसर कमलजीत सिंह की देखरेख में पूरी हुई है। इसके लिए प्रोफेसर रघुविंदर सिंह और संजय सिंधु की अध्यक्षता में बनी कमेटियों ने एक एक छात्र के शैक्षणिक योग्यता सहित सभी दस्तावेजों को जांचा। उसी के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है। HPU के धर्मशाला रीजनल सेंटर के विधि कोर्स के लिए अलग से रीजनल सेंटर अलग से काउंसलिंग करवाएगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमलजीत सिंह ने कहा कि 20 जुलाई से LLB नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
कक्षाओं का टाइम टेबल प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। स्क्रब टाइफस के डर से इस साल प्रदेश में 1182 लोगों ने टेस्ट करवाए। इनमें से केवल 36 लोगों में ही स्क्रब टाइफस पॉजिटिव पाया गया। अच्छी खबर यह है कि इस साल अभी तक स्क्रब टाइफस के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई, जबकि पिछले साल 37 लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान गंवाई थी। राज्य स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर 10 जुलाई 2017 के बीच तक स्क्रब टाइफस का संदेह होने के कारण 1182 मरीजों ने हिमाचल के अस्पतालों में अपना इलाज करवाया। इनमें से 36 मरीजों को स्क्रब टाइफस के लिए पॉजिटिव पाया गया है। निदेशालय के पास 10 जुलाई का आंकड़ा उपलब्ध है। इसके मुताबिक इस तिथि को 17 मरीजों ने स्क्रब टाइफस के टेस्ट करवाए हैं और इनमें से 2 रोगियों को ही इस हाई ग्रेड फीवर से पॉजिटिव पाया गया। हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक पंकज राय ने बताया कि राज्य में स्क्रब टाइफस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बुखार के उपचार के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। सामान्य तौर पर स्क्रब टाइफस होने पर हाई फीवर होता है। इसकी वजह चूहों में पाए जाने वाला एक माइट होता है। यह जीवाणु खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों में पनपता है। राय ने बताया कि चमड़ी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में प्रविष्ट होता है। स्क्रब टाइफस बुखार पैदा करता है। यह बुखार 104 और 105 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इससे बचाव के लिए घास और झाड़ियों में काम करते समय लोगों को अपने शरीर को पूरी तरह से ढकना चाहिए। इस बुखार का थोड़ा भी आभास हो तो वक्त रहते ही इसका इलाज करवाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मौसम की सटीक जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मौसम विभाग प्रदेश के 10 क्षेत्रों में डेटा लॉगर लगाने जा रहा है। इसके लगने से खराब मौसम और धुंध के बावजूद भी मौसम की सही सही जानकारी मिल सकेगी। पहले चरण में अधिक प्रभावित रहने वाले 10 स्थानों पर यह डेटा लॉगर लगाए जाएंगे। पहले चरण में अधिक प्रभावित रहने वाले 10 स्थानों का चयन डाटा लॉगर लगाने के लिए किया गया है। GPRS आधारित डाटा लॉगर लगने से खराब मौसम और धुंध के बावजूद मौसम की सही जानकारी मिल सकेगी। पहले चरण में शिमला, मशोबरा, कुफरी, नारकंडा, नौणी विश्वविद्यालय, पालमपुर विश्वविद्यालय, सेऊबाग कुल्लू, चंबा, डलहौजी और कुकुमसेरी लाहौल स्पीति में डाटा लॉगर लगाए जाएंगे। वर्तमान में मौसम की जानकारी लेने के लिए प्रदेश में 23 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों पर मौसम की जानकारी मिलती है। ये वेदर स्टेशन बैटरी से चलते हैं और बैटरी सोलर सिस्टम पर आधारित होती है। ऐसे में कई दिनों तक जब मौसम खराब रहता है तो सभी स्टेशनों से मौसम की सटीक जानकारी हासिल करने में दिक्कत रहती है। प्रदेश में मौसम खराब होने पर कई दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। इस कारण ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों को सोलर पैनल से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। इससे मौसम की जानकारी मिलने में देरी होती है और डाटा मिस भी हो जाता है। बरसात के दिनों में इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऐसे स्थानों पर डाटा लॉगर लगाने का निर्णय लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट रामदेवी जिंदल में एडमिशन का आखिरी मौका है, क्योंकि रामदेवी जिंदल इंस्टीट्यूशन में लगभग सभी सीटें भर चुकी हैं। अंतिम 15 सीटों के लिए आप 25 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको टेलीफोन नंबर भी बताएंगे, जिस पर आप कॉल करके एडमिशन के लिए अपनी सीट रिजर्व या बुक करवा सकते हैं। रामदेवी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में पिछले साल की तरह ही इस बार भी हिमाचल से सैकड़ों छात्र छात्राएं एडमिशन ले चुके हैं। इस साल एडमिशन का आलम यह रहा कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक ही लगभग 90% सीटें भरी जा चुकी हैं। इस कॉलेज में MBA, BTech, PBA और BCA के कोर्सेज की लगभग सभी सीटें भर चुकी हैं। हालांकि हिमाचल कोटे की 15 सीटें अभी भी बची हुई हैं, जिसके लिए 25 जुलाई से पहले आवेदन करना होगा।
राम देवी ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सामान्य वर्गों के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता की सालाना इनकम 2 लाख से कम है उनके लिए भी भारी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। कॉलेज कैंपस में लाइब्रेरी से लेकर खेलने के लिए कई मैदान भी हैं। अगर आप भी इन बची हुई 15 सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हिमाचल एडमिशन ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं जो हमीरपुर स्थित गांधी चौक के पास आधार इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में है, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 9418663766। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।